इंग्लिश ग्रामर पार्ट थ्री में आप लोगों का हार्दिक स्वागत। इस कड़ी में हम लोग विस्तृत रूप से नरेशन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज नरेशन? नरेशन क्या है? नरेशन इज द वे टू राइट द स्पीच ऑफ अ स्पीकर। नरेशन किसी वक्ता के कथन को लिखने का तरीका है, अर्थात जब कोई व्यक्ति कुछ बोलता है तो उसकी बात को हम किस तरह लिखेंगे, यही नरेशन में सीखा जाता है। अब एक नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे। राम सेज टू मी आई एम इल। राम टेल्स मी दैट ही इज इल। इन दोनों वाक्यों को ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों वाक्यों में कुछ भिन्नता है जो यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी तरह दो नंबर और तीन नंबर क्वेश्चन में भी हम लोग भिन्नताएं देख सकते हैं। ये भिन्नताएं क्यों हैं या किस प्रकार हम इन दोनों रूपों को लिखते हैं, इसको ध्यान से समझना बहुत ही ज़रूरी है। अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे कि ये जो चेंजेस पहले और दूसरे वाक्य में मिलता है, इसे हम लोग किस प्रकार करते हैं, यही चीज़ नरेशन के अंतर्गत हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले डायरेक्ट स्पीच में चार चीज़ों को पहचानने के लिए हम लोगों को सीखना है। स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब, लिसनर और रिपोर्टेड स्पीच। राम सेड टू सीता आई एम इल। इस वाक्य में स्पीकर राम है, रिपोर्टिंग वर्ब सैड है, लिसनर सीता है, रिपोर्टेड स्पीच आई एम इल है। टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इनडायरेक्ट स्पीच इज रिपोर्टेड स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच में एक वाक्य को बदलने के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच होता है। देयर आर फाइव टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस इन रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में पांच तरह के वाक्य होते हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इन्हीं पांच तरह के वाक्यों के ऊपर इनडायरेक्ट स्पीच बदलने का नियम डिपेंड करता है। एक एक प्रकार के शब्द को पहचानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के अनुसार रूल्स एंड रेगुलेशन लगाकर हम लोग एक वाक्य को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं। ए सिंपल स्टेटमेंट इज कॉल्ड एन असर्टिव सेंटेंस। इट हैज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। एक साधारण कथन असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इसमें सर्वप्रथम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्रम में होते हैं।
इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब को बदला जाता है। इसे निम्न तरीके से बदला जाता है, इसे हम लोग ध्यान से देखेंगे। फिर बारी आती है लिंकर की। लिंकर असर्टिव सेंटेंस के लिए दैट का प्रयोग किया जाता है। इसका स्थान कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के बीच में होता है, अर्थात जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में दैट का प्रयोग करते हैं तो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। अब बारी है सबसे जटिल हिस्से की। रिपोर्टेड स्पीच में पर्सन, प्लेस, टाइम और टेंस को स्पीकर, रिपोर्टिंग वर्ब और लिसनर के अनुसार बदला जाता है। इसके लिए हमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है। अगले स्लाइड में हम लोग इसी को ध्यान से देखेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। अब इन वाक्यों को ध्यान से देखेंगे। प्रथम वाक्य में राम सेज आई एम इल। इनडायरेक्ट स्पीच में राम सेज दैट ही इज इल। इसका मतलब है कि हम लोगों ने रिपोर्टिंग वर्ब सेज को नहीं बदला है, लिंकर के रूप में दैट का प्रयोग हुआ है और आई सब्जेक्ट राम के लिए आया है, इसलिए इसे ही में बदल दिया गया है। लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच का टाइम और टेंस नहीं बदला है, इसीलिए हम लोगों ने इसे इज लिखा है। वहीं पर दूसरे सेंटेंस में सेज टू का प्रयोग हुआ है, जिसे इनडायरेक्ट स्पीच में टेल्स में बदल दिया गया है। बाकी नियम एक नंबर के समान ही है, लेकिन तीन नंबर के प्रश्न में हम लोग देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट टेंस में है, अर्थात इसके लिए हम लोगों को रिपोर्टेड स्पीच में भी टाइम और टेंस बदलना पड़ेगा, इसीलिए हम लोगों ने वाज का प्रयोग किया है। चौथे सेंटेंस में हम लोग देख सकते हैं कि सेड टू रिपोर्टिंग वर्ब है, जिसे टोल्ड में बदला गया है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को भी बदला गया है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। फाइव से लेकर एट नंबर तक के प्रश्न में स्पीकर बदल गया है, इसीलिए यहाँ पर आई को हम लोगों ने सी में बदला है। बाकी के नियम एक नंबर से लेकर के चार नंबर तक के प्रश्न के जैसा ही है। सेज को हम लोगों ने नहीं बदला है, लिंकर के रूप में दैट का प्रयोग किया गया है। सेज टू को हम लोगों ने टेल्स में बदला है, उसी तरह सेड को सेड ही रखा गया है और सेड टू को टोल्ड में बदला गया है। प्रेजेंट इंडिफिनिट में पाँच और छः नंबर में रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस को नहीं बदला गया है। लेकिन सेवन और एट नंबर में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट इंडिफिनिट में है, अर्थात पास्ट में है, इसलिए हम लोगों ने रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस को बदल दिया है। एक बात हम लोग और याद रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि फ्यूचर टेंस में भी हो तो भी रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस को बदला नहीं जाता है। नाइन से ट्वेल्व नंबर के क्वेश्चन में स्पीकर आई है, इसीलिए रिपोर्टेड स्पीच में आई स्पीकर को नहीं बदला गया है। बाकी के नियम एज इट इज रखा गया है, से को से रखा गया है, से टू को टेल में बदला गया है, सेड को सेड रखा गया है और सेड टू को टोल्ड में बदला गया है।
उसी तरह रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होने की वजह से रिपोर्टेड स्पीच का टाइम और टेंस नहीं बदला गया है, लेकिन 11 और 12 में रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच के टाइम और टेंस को बदल करके वाज का प्रयोग किया गया है। इस चीज़ को हम लोग ध्यान से देखेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। थर्टीन से लेकर 16 तक का स्पीकर यू है, इसीलिए इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच में आई को यू में बदला गया है। 13 और 14 नंबर क्वेश्चन का रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है, इसलिए आर यानी प्रेजेंट वर्ब का प्रयोग किया गया है। लेकिन 15 और 16 नंबर के प्रश्न का रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, इसलिए रिपोर्टेड स्पीच में वेयर का प्रयोग किया गया है। हमारे अगले वीडियो में इसकी विस्तृत जानकारी दी जाएगी। हमारा वीडियो लगातार देखते रहें और इससे लाभ उठाने की कोशिश करें। ये हम लोगों की एक छोटी सी कोशिश है ताकि जिन लोगों को कोई भी समस्या अंग्रेजी ग्रामर में हो, वो हमारा वीडियो देखकर उसे सीखने की और उससे लाभ उठाने की कोशिश कर सकते हैं। धन्यवाद।